सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये तीन इसका फॉर्मूला है। भाई क्या है पब्लिक स्पीकिंग? एक बोलने वाला होगा, एक भेजने वाला होगा और एक वो संदेश भेजेगा और वहां कोई रिसीवर होगा, उसको रिसीव करेगा। यही तो है पब्लिक स्पीकिंग। डेल कार्नेगी फाउंडेशन ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में पाया 85% ऑफ द सक्सेस लाइज विद इन द सॉफ्ट स्किल। किसी भी बात को एक अदालत के अंदर रखते हैं, उस तरीके की पब्लिक स्पीकिंग को फॉरेंसिक पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। अगर आप इन तीन शब्दों पे काम करते हैं, इथोस, पैथोस, लोगोस पे काम करते हैं, आप खुद को जान जाइए। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है? माइंड। क्योंकि माइंड के अंदर ही फियर है, माइंड के अंदर ही कॉन्टेंट है, माइंड के अंदर ही आपका शब्द है, वर्ड्स है। सर्वे है, रिसर्च है कि 55% जो हम संदेश किसी को भेजते हैं, 55% हम जो है कि बॉडी से भेजते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग आई लव यू नहीं बोलते थे, बस इशारों बात हो जाती। सर्वे है, रिसर्च है कि 55% जो हम संदेश किसी को भेजते हैं, 55% हम जो है कि बॉडी से भेजते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग आई लव यू नहीं बोलते थे, बस इशारों बात हो जाती। ऐसे क्या है कि रिजर्व्ड हो गए हैं लोग, प्रिजर्व्ड होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिहाइंड दिस? बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू शेयर, ओपन टू केयर, ओपन टू चैलेंज, ओपन टू कम्युनिकेट, ओपन टू टॉक। एंड दैट इज व्हाई ओपन बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग जिससे करोड़ों लोग डरते हैं, बट वही करोड़ों लोग सीखना चाहते हैं, इसको मास्टर करना चाहते हैं, स्टेज पर बोलना चाहते हैं, सभी के सामने अपनी बातों को एक्सप्रेस और बयान करना चाहते हैं, बट फिर भी डर तो लगता है साहब। थप्पड़ से नहीं, ये पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। और इस डर को खत्म करने के लिए आज के क्लास, आज का सेशन, आज की बातें आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वैसे तो मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग देने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, बट आज थोड़ा आप लोगों के लिए फ्री में कुछ ज्ञान का तोहफा लेके आया हूँ, तो आप बिल्कुल इसे लीजिए। आइए चलते हैं 622 BCE में। अब 622 BCE में चलेंगे आप तो आपको मिलेगा क्या कि पब्लिक स्पीकिंग का ओरिजिनेशन मिलेगा, उत्पत्ति मिलेगी। देखिए हर चीज की एक शुरुआत होती है, हर चीज का एक आगाज होता है और उसका एक मकसद, एक पर्पस, एक उद्देश्य जरूर होता है। इसीलिए हम 622 में जाने के बाद यहाँ पे इसकी उत्पत्ति समझते हैं। और इसकी उत्पत्ति का बड़ा सिंपल सा मतलब था लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना, लोगों को अपडेट करना। So now in the case of public speaking, we need to keep in our mind that if we want to be a public speaker, we have to raise 3 questions to ourselves. अगर हमें public speaking करना है तो हम सबसे पहले 3 सवाल खुद से करें और उस चीज के लिए करें, what and why and how. हम जो चीज कर रहे हैं या जो चीज सीखने जा रहे हैं वो चीज क्या है, और जो चीज हम सीखने जा रहे हैं वो चीज हमें सीखना क्यों है, और जो चीज हम सीखने जा रहे हैं how to learn that, उसे हम कैसे सीखें। These 3 questions are very important questions, ladies and gentlemen. अब suppose if you talk about what is public speaking, public speaking क्या है, तो public speaking का मतलब ये है S, M और R, sender, message, receiver, ये 3 इसका formula है। भाई क्या है पब्लिक स्पीकिंग? एक बोलने वाला होगा, एक भेजने वाला होगा और एक वो संदेश भेजेगा और वहां कोई रिसीवर होगा, उसको रिसीव करेगा। यही तो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? जब आप लोगों को, एक गैदरिंग को, एक समूह को, एक ग्रुप को डेमोन्स्ट्रेट करें, अपनी बातें बताएं, तो वो पब्लिक स्पीकिंग होती है। अब व्हाई टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग सीखना जरूरी क्यों है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हैं। डेल कार्नेगी फाउंडेशन ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका में एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में पाया 85% ऑफ द सक्सेस लाइज विद इन द सॉफ्ट स्किल। 85% जो सफलता मिलती है ना, वो सॉफ्ट स्किल में मिलती है। और सॉफ्ट स्किल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच और शाखा जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग। इसलिए हमें सीखना जरूरी है। आज आप पॉलिटिशियंस की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, बिजनेस पीपल की बात करें, ट्रेनर्स की बात करें, कोचेस की बात करें, टीचर्स की बात करें, मैसेजर्स की बात करें, ओरेटर्स की बात करें, बड़े बड़े जो है कि अधिकारियों की बात करें, यू विल फाइंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल्स इन देम, आप पाएंगे पब्लिक स्पीकिंग। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग सीखना हमारे लिए अनिवार्य और जरूरी हो जाता है। आज बहुत सारे लोग LLB करते हैं, बैचलर ऑफ लॉ करते हैं, LLM करते हैं, मास्टर ऑफ लॉ करते हैं, बट आफ्टर गोइंग टू द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम जाने के बाद
बार ऑफ काउंसिल से जो है कि लाइसेंस लेने के बाद दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द कोर्ट रूम, वो कोर्ट रूम में अपनी बातें नहीं रख पाते, इसका मतलब उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सही नहीं है, इसलिए उनको सुधारना पड़ता है, सही करना पड़ता है। उसके बाद कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हाउ, अभी एक इसको सवाल रहने दीजिए, क्योंकि आज जो हमारी बातें होने जा रही है वो हाउ पे होने जा रही है। क्योंकि देखिए, आप सभी लोगों को पता है खाना क्या है, खाना क्या है, खाना बहुत जरूरी है, आपको पता है। अरे क्या ये चावल है, अरे ये क्यों खाया जाता है, अरे भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, पकाया कैसे जाता है, वो आपको सीखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हाउ का मतलब है मेथड, और मेथड जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली नेसेसिटी आई कोर्स है। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक आपको नाम ध्यान रखना होगा, जिसको आप बायोलॉजी में भी रखते हैं, बॉटनी में भी रखते हैं, आप जो है कि रीजनिंग में भी रखते हैं अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, और साथ साथ में आप पब्लिक स्पीकिंग में भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 332 BCE में अरिस्टोटल ने बहुत ही जबरदस्त कमाल किया, इसलिए अरिस्टोटल को, अरस्तु को जो है कि पब्लिक स्पीकिंग का फादर माना जाता है। अरस्तु को नहीं, एक सीसरे करके एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उनको भी पब्लिक स्पीकिंग का फादर एक तरीके से माना जाता है। एक और जो है कि रेटोरिक करके एक साइंटिस्ट थे, उनको भी माना जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज्यादातर अगर आप बात करेंगे, देखेंगे, तो अरिस्टोटल को पब्लिक स्पीकिंग का फादर और दाता माना जाता है। क्यों दाता माना जाता है? क्योंकि अरिस्टोटल ने सबसे पहले तीन शब्द दिया, एक वर्ड दिया फॉरेंसिक, दूसरा वर्ड दिया जो है कि आपका पॉलिटिकल, और तीसरा वर्ड दिया सेरेमोनियल। इस पॉलिटिकल वर्ड को उन्होंने दूसरे वर्ड से दर्शाया था, वो अभी मिसिंग है वो वर्ड। लेकिन फॉरेंसिक पे बात करते हैं, फॉरेंसिक का मतलब है कोर्ट रूम। जब आप किसी भी बात को एक अदालत के अंदर रखते हैं, उस तरीके की पब्लिक स्पीकिंग को फॉरेंसिक पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर आप कोई राजनेता है, पॉलिटिशियन है, और आप पब्लिक के सामने कोई बात रख रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल स्पीकर हो गया, पॉलिटिकल ओरेटर हो गया। तीसरा पॉइंट है सेरेमोनियल, और सेरेमोनियल का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब किसी चीज का प्रदर्शन, और या किसी चीज के एक्चुअली ओकेजन पे कोई बात बोलना, कोई बात रखना। ईद है, बकरीद है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई प्रोग्राम है, कोई एनिवर्सरी है, इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग, अगर आप वहां कुछ बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग। तीन शब्द इन्होंने दिया, और वो जो सीसरे करके एक और साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, उन्होंने भी कुछ इसी से रिलेटेड तीन वर्ड्स दिया, मतलब लगभग मैच कर रहा था। तो दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा तीन वर्ड्स और दिए गए। एक क्या है? इथोस, दूसरा है आपका पैथोस, और तीसरा है आपका लोगोस। अब दीज थ्री वर्ड्स आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इथोस मतलब टू नो अबाउट योर सेल्फ क्रेडिबिलिटी, आपकी खुद की क्षमता, आपकी खुद की काबिलियत को जानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल, you have gone to a public gathering and to address and demonstrate to the public, and if you don't know exactly about it, agar aapko pata hi nahi aapki credibility kya hai, aapke level kya hai, aapki aukaat kya hai, aapke jazbaat kya hai, aapke shabd kya hai, you cannot be able to speak, aap bol nahi payenge, isliye self credibility hona bahut zaruri hai. Ethos. Pathos ka matlab kya hai? To know your audience and to know the people, logo ko janna बहुत ही जरूरी है। ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, राइट, बट वी इग्नोर समटाइम्स, एंड इट इज अ बिग मिस्टेक एंड अ बिग ब्लंडर। तो आपको ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। लोगोस का मतलब आपको अपनी बातों का लॉजिक्स, और प्लस आपको उसका पैटर्न और उसके पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीन शब्दों पे काम करते हैं, इथोस, पैथोस, लोगोस पे काम करते हैं, आप खुद को जान जाइए, आप अपनी बातों को जान जाइए, आप अपनी जनता को जान जाइए। अगर आप तीनों बातों को सही तरीके से जान जाते हैं, यू आर गोइंग टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाई दीज थ्री वर्ड्स गिवन बाय अरिस्टोटल, आई पर्सनली बिलीव एंड फर्मली बिलीव दैट वी ऑल शुड मास्टर दीज थ्री वर्ड्स, बिकॉज दीज थ्री वर्ड्स आर द फाउंडेशन ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पे आप देखिए कि आप सपोज करिए कि पब्लिक स्पीकिंग आपको नहीं आती, तो आपको कहाँ शर्मिंदगी झेलना पड़ता है, शर्म सी आती है, लोगों के सामने अपनी बात नहीं कह पाते, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, बहुत दिक्कत होती है, ऐसा वैसा बहुत सारे ख्यालात मन में आते हैं। इन सब से उभरने के लिए और निजात पाने के लिए अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, हाउ, कैसे कैसे सीखा जाए, हाउ टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे पहले तीन चीजों को समझिए, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास माइंड है, दिमाग, दूसरा हमारे पास बॉडी है, शरीर, और तीसरा हमारे पास टंग है, जुबान। अब देखिए,
कभी कभी हमें लगता है कि मेरी जुबान अगर माशाल्लाह हो गई तो मैं पब्लिक स्पीकर बन गया। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में जुबान बहुत अच्छी होनी चाहिए, बॉडी साथ साथ में अच्छी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं, माइंड। बिकॉज माइंड इज द ओरिजिनेटर एंड दाता, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर ऑफ द थॉट्स। माइंड में ही सारे थॉट्स आते हैं। अगर आप थॉट्स की बात करेंगे, लगभग 80,000 थॉट्स माइंड में रोज आते हैं, और इसमें से 80,000 ही थॉट्स जो है कि निगेटिव होते हैं। माइंड कैन नॉट कंट्रोल द थॉट। लगभग 75,000 से लेके 80,000 सोच रोज हमारे दिमाग में आती है, और उसमें से सिर्फ 20% पॉजिटिव होती है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है, माइंड। क्योंकि माइंड के अंदर ही फियर है, माइंड के अंदर ही कॉन्टेंट है, माइंड के अंदर ही आपका शब्द है, वर्ड्स है, माइंड के अंदर ही आपके इमोशंस है, माइंड के अंदर ही आपकी साइकी पावर, सोच की ताकत है। तो अब आप जरा समझिए, साइकी पावर है। अब माइंड के अंदर इतनी चीज होने के बावजूद इफ यू इग्नोर योर माइंड, अगर आप अपने दिमाग को नजरअंदाज कर दोगे तो सोच लो तब तो हो गया मामला लस्तपस्त। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू कीप इन योर माइंड वेरी फर्मली एंड इन अ वेरी गुड वे, दैट योर माइंड शुड बी वेरी शार्पन एंड एम्पावर्ड। योर माइंड शुड बी एक्टिवेटेड एंड योर माइंड शुड बी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड द बॉडी, कहते हैं जो तूने लफ्जों से नहीं कहा आंखों से बयां कर दिया, आंखों से नहीं तो जुल्फों के बालों से और अपने नरम नरम सॉरी गालों से बयां कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप बॉडी की बात करते हो तो बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके शब्दों से तेज आपका शरीर बोलता है। क्यों? क्योंकि बॉडी से हम 55% मैसेज डिलीवर करते हैं। आप ये सर्वे है, रिसर्च है कि 55% जो हम संदेश किसी को भेजते हैं, 55% हम जो है कि बॉडी से भेजते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोग आई लव यू नहीं बोलते थे, बस इशारों इशारों बात हो जाती। ऐसा कैसे होता था? क्योंकि 55% वो मैसेज किससे जाता था? बॉडी से। आंखों आंखों में बातें हो जाती थी, नकाब पहन के भी लोग मोहब्बत कर लेते थे। कैसे? क्योंकि ये आंखों आंखों से बातें होती थी। अब आंखें बहुत कुछ बयान करती है, हाथ बहुत कुछ बयान करता है, चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत कुछ बयान करता है, वो सारी चीजें बॉडी में आती है। उसके बाद हम चलते हैं टंग पे। टंग पे सबसे पहले आपका 7% इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड्स। आपके शब्द 7% इंपॉर्टेंट है जो आपकी जुबान से आते हैं, और पहले तो वो दिमाग में होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपका 38% आपकी टोन होनी चाहिए, जो आपकी आवाज। कहते हैं कि क्या आवाज है, मैं इस पे फिदा हो गया, लगता है मैं अपने गमों से जुदा हो गया। कहने का मतलब कि आवाज होना बहुत ही जरूरी है, एंड इट इज मस्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपकी आवाज और आपके शब्द है और साथ में आपका अंदाज है, तो आप 100% यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एंड इंपैक्टफुल पब्लिक स्पीकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ तो हमने समझ लिया कि हाउ, यहाँ पे हमने तीन कॉन्सेप्ट समझा, माइंड, बॉडी एंड टंग। अब नाउ वर्किंग ऑन ऑल दिस, व्हाई देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, ओह योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक दैट, दिस एंड दैट, ओह माय गॉड, व्हाई इज इट ऑलवेज टॉक्ड। क्यों हमेशा बात की जाती है कि बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सपोज करिए किसी से पूछिए कि आज जो है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आज हमें आप कैफे लेके चलेंगे? अरे चुप, अरे हाँ चलेंगे ना कैफे, क्या दिक्कत है? अब देखो, शब्दों से तो आप बोल रहे हैं कि चलेंगे कैफे, चलो कॉफी पिलाएंगे, लेकिन बॉडी कह रही है कि हम तो अभी मरने के लिए तैयार हैं सानम। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये चीज अपने दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बॉडी को बहुत ही मेंटेन और बहुत ही सस्टेन्ड रखना, इट इज एब्सोल्युटली मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप रखेंगे कैसे? सबसे पहले पावरफुल पोज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज करिए कि आप जो है कि पाउट बना के एक सेल्फी ले रहे हैं, तो कैसे लेते हैं? पावरफुल पोज। आप सपोज करिए कि जो है कि फोटो खिंचा रहे हैं, तो आप कैसे देते हैं? पावरफुल पोज देते हैं। हमेशा पावरफुल पोज का होना जरूरी है बॉडी लैंग्वेज। पावरफुल पोज का मतलब ये है, ये पावरफुल पोज है, ये पावरफुल पोज है, ये पावरफुल पोज है, ये पावरफुल पोज है, यस ये पावरफुल पोज है, ये पावरफुल पोज है, ये पावरफुल पोज है। क्योंकि आप पावरफुल पोज से बहुत कुछ करते हैं। पावरफुल आपका पोस्चर होना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज करिए कि आप किसी से मीटिंग करने गए, यू गॉन फॉर मीटिंग और इंटरेक्शन, अपने आपने पावरफुल पोज नहीं दिया, आप स्टेज पर बोल रहे हैं, पावरफुल पोज नहीं, आपका पैर सटा हुआ है, हाथ इस तरीके से लड़खड़ा रहा है, पूरा जोर आपकी कमर पे है, आप थोड़ी ना जो है कि नोरा फतेह ही है, आपको कमर पे जोर नहीं देना है, आपको जोर देना है कंप्लीट बॉडी पे। मतलब आपको बॉडी के अंग अंग को 100% पूरा एक्टिवेटेड रखना है। इट मींस दैट यू हैव टू कीप योर बॉडी पोर्शन एंड पोस्चर वेरी पावरफुल। आफ्टर दैट इट कम्स विद द जेस्चर्स।
जेस्चर शुड बी पावरफुल। पोस्चर और जेस्चर में कॉमन से डिफरेंस है, जो आपके शरीर का एक पोस्चर है, दैट इज पोस्चर, जो आपके शरीर में एक मोमेंट है, जो एक तरीके से जो है कि एक मोमेंट है, जो यूज है, जो एक शेकिंग है, वेविंग है, दैट इज कॉल्ड जेस्चर, उसे हम जेस्चर बोलते हैं। हैंड जेस्चर्स हो गया, शोल्डर श्रग हो गया, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी चीज को बयान करें ना, सबसे पहले एक चीज देखें, जितनी दूरी आपके पैर में होगी उतने से आपका जो है कि निकला हुआ होगा, राइट। यहां आपने इतना निकाला, अब हम क्या करते हैं समटाइम, अब ज्यादा निकाल दिए, अब सोचो आप कैसे कार्टून लगोगे। आपने एकदम सटा लिया, हाय गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, अब आपने सटा लिया, इसको हम सटा नहीं सकते। दूसरी चीज, वी हैव टू कीप, हमें रखना है कितना डिस्टेंस, 1.5 feet डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेग्स, हमें दोनों पैरों के बीच में 1.5 feet का डिस्टेंस रखना है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करते हुए। तो हमें एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है, पावरफुल जेस्चर्स में हमेशा ये आएगा कि आपके हाथों में मोमेंट रहेगा। एंड ऑल द फाइनलिस्ट पब्लिक स्पीकर्स, द फाइनल पब्लिक स्पीकर्स, इफ यू सी एंड इफ यू ऑब्जर्व देम, दे स्पीक विद द ग्रेट जेस्चर्स, दे स्पीक विद द ग्रेट पोस्चर्स, एंड दे स्पीक विद द ओपन बॉडी लैंग्वेज। एंड व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? बिकॉज ओपन होना बहुत ही जरूरी है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा रिजर्व्ड होते जा रहे हैं। आज लोग इंस्टा पे तो बहुत बात कर लेते हैं, सामने आने पे जो है मुंह फुला लेते हैं। जरा देखिए क्या हो गया जमाना सनम, ऐसे क्या है कि रिजर्व्ड हो गए हैं लोग, प्रिजर्व्ड होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम बिहाइंड दिस? बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू शेयर, ओपन टू केयर, ओपन टू चैलेंज, ओपन टू कम्युनिकेट, ओपन टू टॉक, एंड दैट इज व्हाई ओपन बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब होता है ग्रास्पिंग, और ग्रास्पिंग में क्या होगा, आपको एक चीज ध्यान देना है कि ग्रास्पिंग में आपको हैंड जो ग्रास्प करना है वो ऐसे करना है, या तो ऐसे करना है या तो ऐसे करना है। हैंड्स ग्रास्प यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हैंड ग्रास्प ये, या तो ये और या तो ये, राइट, दीज आर द हैंड्स ग्रास्पिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद बॉडी ही लैंग्वेज में आपका आई मोमेंट आता है, आंखों को किस तरीके से मिलाना है, कैसे अपनी ऑडियंस को या कैसे पब्लिक को देखना है। तो आप सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करिए, जेड। जेड क्या है? अपनी ऑडियंस के सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे जाइए, बैक, पहले एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे जाइए, आप जाइए पूरा पीछे, ये जेड हो गया। यहां आपने सीधा ऐसे किया, अपनी ऑडियंस को इधर देखा, इधर देखा, राइट तक आ गया, फिर आपने उसको ट्रायंगल बना के ऐसे किया, ऑडियंस को ऐसे देखा, फिर आपने यहां पहुंचे, फिर उसके बाद क्या, आपने फिर राइट आ गया। इसका मतलब आप अगर आप जेड फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, तो जेड फॉर्मूला में क्या होगा कि आप अपनी इंटायर ऑडियंस को, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500, उनको सारे लोगों को कवर कर सकते हैं। तो सामने वाले को ये लगेगा, यार हम सबकी केयर कर रहे हैं, सब पब्लिक स्पीकर। तो यू नीड टू एक्चुअली कीप दिस, कि आपको ये जेड वाला फॉर्मूला ध्यान देना। अगर आप जेड वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, आप एम फॉर्मूला यूज करिए। अब एम फॉर्मूला क्या है, आपने कॉर्नर फ्रंट रॉ से शुरू किया, कॉर्नर फ्रंट रॉ से शुरू किया आपने यहां से, आफ्टर दैट आप जो है कि कॉर्नर पूरा चले गए, फिर आप आए मिड, बीच में आया, आपने बीच की पब्लिक को देखा, फिर बीच से फिर आप कॉर्नर चले गए, फिर आप जो है कि आ गए यहां में फ्रंट पे। आप इस तरीके का एम फॉर्मूला, मेरा एम उतना अच्छा नहीं बना, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, कलाकार नहीं हूं। तो अब यहां पे आपको क्या समझना है कि एम फॉर्मूला आप यहां ध्यान दीजिए, या तो आप जेड लगाइए या तो एम लगाइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपनी आंखों को मिलाइए, तो सनम ऐसे मिलाइए कि लगे कि बरसों की बिछड़ी हुई मोहब्बत से मुलाकात किया आपने। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आंख मिलाते हैं ना, आईज, तो आपकी आंखें बहुत कुछ बयान कर जाती है। इसलिए क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत तगड़े तरीके से उस सामने वाले बंदा या बंदी के अंदर वो चली जाती है। क्यों? बिकॉज आईज टेल, आंखें बताती है, बयान करती है। आईज गिव द कॉन्फिडेंस, आईज गिव द कनेक्शंस एंड रिलेशंस, दैट इज व्हाई मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन योर पब्लिक स्पीकिंग। इस तरीके से आप जो है कि मिलाइएगा, और मस्ट है, इसको अवॉइड मत करिए। बॉडी लैंग्वेज में और भी चीजें हैं, बट आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। मैंने जेस्चर बता दिया, मैंने पोस्चर बता दिया, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो पेस है। अरे, बेबी को बेस पसंद है, किसी को केस पसंद है, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, मुझे देश पसंद है, भारत देश पसंद है, और एज अ पब्लिक स्पीकर मुझे अपने पैरों का पेस पसंद है। अब कहेंगे पेस क्या होता है, तो पेस का मतलब ये है कि द मोमेंट जो हम पैर को मूव करते हैं उसे ही पेस बोलते हैं, और ये पेस का होना बहुत ही जरूरी है, बट इट शुड बी रेटोरिक। जैसे पब्लिक स्पीकिंग को अगर आप बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जबरदस्त रखते हैं, उसे हम रेटोरिक स्पीच बोलते हैं, रेटोरिक पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। तो रेटोरिक के साथ साथ आपका पेस, रेटोरिक पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ आपका पेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज को पाते हैं ना, तो दे यूज इट लाइक यू नो कि उनकी जो है कि जागीर है, आराम से एकदम चल रहे हैं, हेलो गाइज, हाय गाइज,
अरे भैया अगर ऐसे ही बोलना था तो घर पे बैठे होते, ऐसे क्या बोल ले यार, nobody will be impressed, कोई impressed नहीं होगा. That is why it's very important when you speak on the stage, you have to keep in your mind one thing, that is to actually enjoy your public speaking, to celebrate your public speaking, to not act as a very lazy and lethargy person, that you are not interested in your speaking. Why will others and audience be interested in your speaking? You have to just keep this thing in your mind. So that is why public speaking should be rhetoric and your pace should be strong. तो pace का मतलब क्या है कि आप अपने पैरों को दोनों को आप move करें एक portion से दूसरे portion पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर. ये moment का होना बहुत ही जरूरी है, it's very important, right? उम्मीद करता हूं कि आपको point समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं, moving ahead. अब देखिए आप तीसरे point पर आते हैं, tone. Tone का बहुत होना जरूरी है. Okay, अब tone क्या है? टोन ऐसा ही कि अगर मैं आपके सामने एक गाना गाऊं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, अब आपको लगेगा ये हुस्न का मजा नहीं है, ये तो लग रहा है कि भाई सुस्ती है, राइट? अब आपको इंटरेस्ट थोड़ा भी नहीं आएगा. तो अब इस टोन को बेहतर बनाना बहुत ही जरूरी है. अब इस टोन में आपको तीन चीजें समझना जरूरी है, हाई, मिड, लो. इसको बोलते हैं राइज, मिड, फॉल. आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए. आप समझ रहे हो कैसे गाना आ रहा है कि आज की रात मजा हुस्न का, यहां पे राइज हो गया, आंखों से लीजिए, अब ये फॉल हो गया. अब गाना क्या हो गया, गाना इंटरेस्टिंग हो गया. अब आपको आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, एक काम करो, गाना बंद करो, निकल लो इधर से चुप मार के, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू एक्चुअली लिसन टू यू. एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तीन चीजें अपने टोन में रखना बहुत ही जरूरी है, राइज, मिड, फॉल. और जैसे ही आप राइज करते हैं, पीपल खट से मोटिवेट होते हैं, मीडियम में आपसे कनेक्टेड रहते हैं, फॉल में आपसे इमोशनल हो जाते हैं. फॉल जैसे आप करते हैं ना, बोलते हैं हुक, जब हम पैंट पहनते हैं तो पैंट में हुक होता है, तो सेम वे ऑडियंस और आपके बीच में हुक जरूरी है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो क्या है, इसलिए क्योंकि आप ऑडियंस से क्या कर रहे हैं, इमोट कर रहे हैं, और वो इमोट आप कर पाएंगे तब बेहतर तरीके से जब आपके टोन जबरदस्त हो. तो इसलिए आपको टोन को बहुत बेहतर रखना है और तीन चीजें, ये चीज ध्यान रखना है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें बताऊंगा कि टोन को और कैसे इस पे प्रैक्टिस करें, कैसे क्या कर सकते हैं. बट द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. एंड आई होप दैट दिस इज गोना बी वेरी यूजफुल एंड स्पेशल फॉर यू, राइट? तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, इंप्रूव योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग.